को पता हमारे घर में प्लेट थी, उसमें करंट बिल्कुल नहीं था। कपड़े निकाल दो पुराने, जो पिछली ईद पे मतलब वो बच्चों ने पहने थे, वो उसे इस्त्री कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे भाई भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद में मुस्कुराते रहे और हमारे साथ साथ। अच्छा, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली, मुकम्मल वीडियो आज करेगा और हमारी एक अंदर मेकअप पाक से सलाम दुआ ले ले, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा मेरी नकले उतारने पे लगी रहती है, पता नहीं इसको क्या मसला है, क्या परेशानी है। नहीं नहीं, सलाम किस तरह की थी? हमेशा ना नकले उतारती रहती है, पता नहीं क्या तकलीफ है तुम्हें। सलाम करना सही तरीके से, खुल के सलाम करना। अक्सर हमारी बहन भाई कहते हैं खुल के सलाम नहीं करते, तो मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम कैसे मेरे बहन भाई। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली, मुकम्मल वीडियो आज करेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं भाई, आज हमारी बेटी आने वाली, क्या आपकी पीड़ होने लग गई। ओए ये क्या कर रहा है, हट पीछे मोटरसाइकिल से। अच्छा जी, आज मेरी बेटी आने वाली है जी मदरसे से, और तकरीबन 15 और मतलब एक हफ्ता 8, 16, 24 मतलब 24-25 दिन के बाद आ रही है। तो पहले आती थी किस वजह तू लाया के अपन के मार गाना चुन्ना के भाई रोज होने दे, इने तकलीफ होंदी है, बजे ना बंदा जावे सफर इतना कार के तो देना, तुम बच्चे नु लाया वेस वजह तू ना के भाई 16 दिए बाद 24 दिए बाद, हां 24 दिए बाद तीसरे हफ्ते। हां जी, ना के इस वजह तू ता वो असल में पहले हर 15 दिन के बाद आप लोग लेके आते थे ना, तो रमजान शरीफ की वजह से उन्होंने बोला भाई आप ना 27 रोजे को लेके चल जाना भाई, ताकि एक तो छुट्टी होगी और दूसरा ये भाई ईद भी तसल्ली से मतलब घर में कर लेगी। तो इसलिए जो है ना आज तकरीबन 24 दिनों के बाद लेने जा रहा हूँ। मोटरसाइकिल जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, और मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, मैंने कल सही करवाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने जो है ना वो सही नहीं किया था, वो कह रहे थे भाई इस पर काफ़ी टाइम लगता है, इंजन पूरा खुलेगा तब जाके मतलब ये सही होगा। और ये जो है यहाँ पे ये नट वगैरह ये नया डाला था, क्योंकि ये नट भी ख़राब हो गया था, इसका अंदर से कुछ वो पता नहीं बैरंग वगैरह वो टूट गया था, और ये टायर भी यहाँ से फट गया, ये देखिए ओ हो नहीं वो तकरीबन नहीं, वो कह रहा है वो कम से कम इस पर खर्चा आ जाएगा 3,000 उस पर खर्चा आ जाएगा, और ये हाँ ये पीछे उसने वो डाल दिया था, वो कह रहा था वो बाद में पैसे दे देना ना। इसका ये नट वगैरह जो है ना, ये 2-3 नट भी इसके नए डाले उसने, और इसके अंदर बैरंग भी नया डाला, वो कह रहा था बाद में आके ना पैसे दे जाना और इसका इंजन वगैरह वो जो है ना सही करवा जाना, इंजन उसके अंदर से नहीं 3,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, वो कह रहा 3,000 तक खर्चा हो, 3,000-3,500 तक खर्चा हो जाएगा, तो मतलब ये सही हो जाएगा ना। तो अभी ये जो मैंने बैरंग वगैरह डलवाया इसके पैसे बिल्कुल नहीं दिए, उसने कहा था भाई बाद में कर लेंगे ईद के बाद ना, मतलब जब दे के जाओगे तो फिर सही करेंगे, क्योंकि ये उसी से मतलब ये मुकम्मल मोटरसाइकिल मतलब बनवाया था ना, तो ये इसको मतलब सही करवाएंगे बाद में। इस कमरे में बेगम ने सारे ये धर्म भरम करके हर चीज़ फेंकी हुई है, क्योंकि वो असल में कपड़े बच्चों को उठाने थे ईद वाले, वो भी नहीं उठाए, तो देखते हैं वो मतलब अगर पैसे हुए तो उठा लेंगे, नहीं तो ये हमारे पास कपड़े पड़े हुए हैं पिछली ईद वाले, तो इसी को प्रेस करेंगे। हाँ तो ये है भाई, इसी को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि गुजारा तो अब करना है ना भाई किसी न किसी तरीके। तो बहरहाल ये पुराने मैंने कपड़े निकाल दो पुराने, जो पिछली ईद पे मतलब वो बच्चों ने पहने थे, वो उसे इस्त्री कर दो। तो ये है भाई, बच्चों को अभी मतलब वो नहीं पता ना, तो अगर हो सके तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर अब कोशिश करेंगे भाई गुजार हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब इसी पे गुजारा करेंगे। तो बेगम ने ये सारा धर्म भरम करके फेंका हुआ, तो बहरहाल जी चलता हूँ जी, बच्चियों को लेके आता हूँ, जुराबे मेरी एक और तो ये पहन के चलता हूँ।
यहाँ पहुँच गया हूँ जी मरियम लोगों को लेने। ये मरियम लोगों का मदरसा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी। अभी बच्चे बाहर निकलते हैं फिर निकलते हैं घर की तरफ। अच्छा जी ना सर जड़े नो घर पहुंचा है ना ते ना घर आए है ना ते वक्त ते मोटरसाइकिल जड़ा है पी ओ सही लगा गया है ते हर दी बाकी जड़ा है मोटरसाइकिल खराब हो गई है क्योंकि जड़े मोटरसाइकिल दुआ मांग गए हैं पेट्रोल जी या ओई भी उधार पैसे तो चाहे हम पेट्रोल पवाए है ने ते वक्त ते पेट्रोल ही मोक गई है ते मोटरसाइकिल भी खराब हो गई आई ते एडे औखे आए हैं ना दे तंग हो के मसे घर पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने रोजे भी आते ना बच्चे ने भी रोजे आते नस ने भी रोजा आए थे मैंने भी रोजा आए तो मैं चल घर आम पाई तो नानू जो बच्चे ने रोजा आए थे नस ने रोजा बहुत तंग हो के घर पहुंचे ना थके उठे हो के आके बैठे ते आखे हूँ तू आप ही बिलाग बना मेरे को ही बनता ना इस वजह तो हूँ ना नसर जरा है वो सुनते सुते पर मैं तो नो भी लैनी हाँ तो जे आते हैं राशन लाया आंदा है भाई थोड़ा गाँव जो आंदा ने बच्चे ईद वास्ते रोजा अवतार करना आने तो मैं भी कहनी उधार लाया आते हैं सीवी लाया आंदी है ने ते देना सीवी तो खजूर है चावल ने बच्चे ने लाया आंदे हैं के बच्चे ने रोज़ आए पी तो बच्चे ने रोज़ अफ्तार करना है इस बच्चे तू ला के आए हैं ते मैं दंद चाल के उसने मैं तो ना सन एक मिला ही नहीं है मैंने बम जैसे तबीयत खराब हो गई पहले ही तू बता नहीं आने तबीयत खराब देना ते बच्चे ने तो लाया हमने आने बच्चे की जरूरत आई क्योंकि बच्चे छुट्टियां हो गई इस वजह से बच्चे ने ला के आना हाने ते बहुत जलील हो गए घर पहुंचे ते अंदर ही आके डर पाए ना हूँ अवतार का टाइम होने वाला है तो अवतार ही बड़े नहीं आ पहले मैं उस तो पहले तो मैं नाते रहा मिला ला मैं बच्चे जी बच्चे जी ना घर पहुंचाई हैं मरियम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे शुगुप्ता ही आ गई है घर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू रोज सारे रखी हम दियो जी तू ही सारे रखी हम जी माशाल्लाह जी ने मेरी बेटियां सारे रोज रखे हैं पाए दिन ना वास्ते दुआ की करो कि मेरी बेटियां हाफिज बन जावन ते बम शुकीन ने पईया जड़ी मरियम है होतांदी मैं हाफिज बनना आलमा दा कोर्स करता है अल्लाह पाक ने आलम आलम दा कोर्स करा मेरी बेटी नु ते उस जबाल ना सर तल में लेनी आया ते आली बानो में खेड़ दी पई हो आई ते आली बानो नहीं री मुजी वदी आई आली बानो मुजी वदी आई ते उ मामा या सर जेड़ा ओई ज्यादा मुजी वदी हम दे नाल ये गल्ले मेल गए ते हम दे नाल न चमड़े थाल ताई न ने छड़े बंद हुए ते चूजे आना ते तेन लाया आंदे आ ते चूजे जेड़ा है दो चूजे जेड़े नो मर गए ते एक चूजे सर को बची आ तो ये चूजा जेल भी ना सर समझा है जो कोलू आके ना सर दिखाए कम दो मतलब मिठाई नहीं आ जो निरन लड़ना ना सर बने हो जाए मतलब मिठाई नहीं बेबी ना सर कोलू मुंह से तय समझ कर जी सुत्तो हो जाए साक भी खामक ना उठती ना पाबू इधर ही है इन ज्यादा लाड़ अंदा है तेन ज्यादा प्यार अंदा खाला ना सर ना जिस लिए ना सर समझो से टाइम सुत्तो हो अंदर को रोजाना की तरह आज फिर मेरी तबीयत खराब हो गई क्योंकि आपको पता है कि रोजा होता है ऊपर से मेरी सेहत ऐसी ही है कि सफर में कर लूँ या कुछ कर लूँ तो कमर में तकलीफ तो होती होती है और अब मुझे रोजा भी बहुत ज्यादा मतलब लगने लग गया था ना तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। बच्चे जो है मरियम भी आ गई है शगुफ्ता माई भी आ गई दोनों सो गई हैं आते ही क्योंकि वो आपको पता सफर बहुत ज्यादा था कम से कम 50 किलोमीटर हम लोगों ने सफर किया और मैंने कम से कम 75 किलोमीटर सफर किया क्योंकि यहाँ से मैं गया फिर आया फिर वहाँ पे मैंने एक दो घर थे वो किया। अच्छा मैंने एक जुगाड़ भी लगाया वो जुगाड़ कौन सा वो भी आपको दिखाता हूँ। आपको पता है हमारे घर में प्लेट थी उसमें करंट बिल्कुल नहीं था तो मैंने जो है ना उसकी तारे वगैरह तोड़ फोड़ के ना आगे पीछे करके वो मैंने लगाई है वो कैसे लगाई वो देखे ये ऊपर मैंने लटका दिए और वहाँ पे तारे कुछ उखड़ी हुई थी उसमें एल्फी वगैरह लगा के वो मैंने जोड़ दिए और ये बांस लगाया मैंने यहाँ पे और ये देखे जुगाड़ कैसा जुगाड़ है ये मैंने लगाया जी बांस पे और बांस के ऊपर मैंने वो बांधा क्योंकि यहाँ पे साया हो जाता है और नीचे जो है ना मतलब साया होता है तो प्लेट को धूप नहीं लगती तो ये मैंने बांस नीचे लगा के ऊपर प्लेट रख दी है और नीचे मैंने वहाँ पे अलमारी के साथ बांध दिए ताकि ये लगी रहे और सुबह के टाइम थोड़ी सी घुमा दी ताकि इस साइड जो सूरज होती है मतलब वहाँ से आएगी तो ये तार मैंने वहाँ से अंदर पंखे पे लगाई है और ये ऐसे खुश खड़ी हुई है तो पंखा जो चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी ये है भाई बिजली की भी बचत हो गई और पंखा भी है मतलब हवा देता है बस इतना ये हमें हवा ही चाहिए तो नहीं गुजारा है या नहीं इसी पे चलेगा। मेरी भाई हिम्मत नहीं है कि मैं बिजली के बिल अदा करूं
अब मैंने इतना जुगाड़ लगा दिया कि पंखा मतलब चलने लग गया, तो ये थोड़ा है रात को हम चलाएंगे इन रात को बिजली पे चलेगा। तो बहरहाल जी कोशिश करेंगे रात वाला सिस्टम भी कोई बन जाए। तो बहरहाल ये एक जुगाड़ ये लग गया, दूसरा जुगाड़ ये लग गया, हमारे जुगाड़ ही लगते रहते हैं माशाल्लाह जी हमारे घर में। हाँ पंजाबियों के नहीं, पाकिस्तानियों के जुगाड़ है। तो ये जुगाड़ कैसा लगा यह है? ये हकीकत बात है, लोग पाकिस्तानी जुगाड़ी बहुत है। तो ये जुगाड़ मैंने लगाया, ये आपने कमेंट्स करके बताना कि ये जुगाड़ कैसा लगा है। और ये हमें तो बहुत अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स करके हमें बताना है। बाकी ये है भाई, आपको पता है भाई रोज़ा भी होता है हमारा, और दूसरी बात ये है भाई हमारी सेहत एक ऐसी है ऊपर से कमज़ोरी ऊपर से माशाल्लाह जी अल्लाह पाक करम करे। तो बाला जी हमारे घर में आज क्या बनने वाला है कुछ बता दो यार, क्या है ये, क्या है? कोई शर्म कोई हया कुछ मेरा है, मेहंदी बनाऊंगा तो बहुत बाद में मेहंदी बनाने जा रही है। हां जी बच्चे से सेहत लावणी है कि मैं मेहंदी ला के तो बच्चे से सेहत लेनी थोड़ी थोड़ी करके नंदी। चलो जी मेहंदी बड़ो के बाद खाना बनाएंगे यार। कौन सी मेहंदी? लाल मेहंदी। चलो जी ये मेहंदी हमारे घर में बन रही है आज, ये खाओ। पता नहीं कैसे बन रही है। तो आज बनाना क्या है? सब्जी आलू गोभी। आलू गोभी गोभी पड़ी हुई है, गोभी लाया भी है या 5 किलो अभी बताई है इधर से रख दिया जाए। ये बस यही बनेगी? हाँ भाई आलू डाल देना बस, ठीक है गुजारा हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज हमारे घर में आलू गोभी बनने जा रही है। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।